तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोग का। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में जनवरी 2024 में लॉन्च होने वाली 5 के गजब के फोन को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। और सारा का सारा फोन आपको 15-20 हजार के अंडर में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और जनवरी 2024 में ही लॉन्च होने वाली है, बिल्कुल जनवरी के लास्ट महीने तक सारा फोन आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको और ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस जनवरी में जितना भी फोन लॉन्च होने वाली है, हम सारा फोन को नहीं लेकर आए हैं, बट 5 फोन को मैं लेकर आया हूं। 5 फोन को ही हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो बेस्ट है, अच्छा प्राइस में देखने को हमें मिलता है और अच्छा लुक और डिजाइन, अच्छा प्रोसेसर के साथ गेमिंग प्रोसेसर भी सारा में दिया गया है दोस्तों। हम जितना भी फोन इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं, तो जितना भी फोन इस वीडियो के अंदर लेके आए दोस्तों, पूरा फुल डिटेल मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो क्लास में मैं एक बोनस फोन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अभी तक धमाल मचा चुकी है सिर्फ ट्रेलर के साथ। तो ये भी फोन जनवरी में ही लॉन्च होगी और कौन ऐसा फोन है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए दोस्तों। हम सभी फोन के बारे में फुल डिटेल के साथ बताने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों बात में ये मत भूल जाना कि वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारा 5वां नंबर फोन कल कहता है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो। जी हाँ दोस्तों, 20 प्रो। टेक्नो को बहुत सारा फोन लॉन्च हुआ है 2023 में, लेकिन अभी जो 20 प्रो आने वाला है काफी धमाल मचाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस साल का सबसे बेस्ट फोन रहने वाला है 20 प्रो। इसका प्राइस भी बहुत कम दिया गया है, इसका प्राइस आपको 12,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके खरीदते हो तो 12,500-13,000 के आपको प्राइस में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो लुक और डिजाइन दिया गया है काफी जबरदस्त दिया गया है दोस्तों। 12,500-13,000 के प्राइस में ही इस फोन में आपको 8GB के रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। वहीं पर इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक के लिए G99 का प्रोसेसर दिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है, आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। इस फोन के बैक साइड में कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों, और काफी जबरदस्त कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है और 0.08 मेगापिक्सल आपको डेप्थ लेंस कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। और हाँ, इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 32 मेगापिक्सल का। इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगा और इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 30 वाट का फास्ट चार्जर के देखने को साथ मिल जाएगा दोस्तों। तो ये फोन बिल्कुल 1.5 घंटा में फुल्ली चार्ज हो जाएगा दोस्तों। अगर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। तो IPS LCD डिस्प्ले के साथ ही इस फोन को आपको यूज करना होगा। तो प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें आपको डिस्प्ले काफी अच्छा देखने मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो सारा कुछ इस फोन में अच्छा दिया गया दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ। तुम्हारा 4वां नंबर का फोन निकल जाता है Samsung Galaxy A15। जी हाँ दोस्तों, A15 जो फोन निकलने वाला है Samsung का, ये भी बहुत अच्छा लुक और डिजाइन के साथ निकलने वाला है दोस्तों। Samsung कंपनी का भी एक नया फोन आया है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक बजट फोन लॉन्च करने जा रही है Samsung का दोस्तों। ये Samsung कंपनी का जितना भी फोन अभी लॉन्च हो रहा है लगभग 20-25 के अपर में जाके लॉन्च हो रहा है दोस्तों। लेकिन इस महीने में आपको बजट फोन देखने को मिल जाता है Samsung का A15। अगर इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो 17,000 के आसपास इस फोन का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। 17,000 के प्राइस में आपको 8GB के रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इसका अलग अलग वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट लॉन्च होगा तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो इस फोन के बैक साइड में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और 5 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा और 2 मेगापिक्सल का आपको सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग काफी अच्छा आएगा दोस्तों। 50 मेगापिक्सल का दिया गया और जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा दोस्तों सोनी का है, काफी लाजवाब फोटो वीडियो आप क्लिक कर सकते हो दोस्तों। लेकिन इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। 17,000 के प्राइस में 13 मेगापिक्सल अच्छा ही दिया गया है, एवरेज ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो सेल्फी आप अच्छा खासा ही उतार सकते हो दोस्तों। बात करें इस फोन के बैटरी सेटअप के बारे में तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है दोस्तों, और इस फोन में आपको 25 वाट के फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो कि 1.5 घंटा में ये फोन भी फुल्ली चार्ज हो जाएगा दोस्तों। बात करें इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें भी आपको मीडियाटेक के लिए G99 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों प्राइस यहाँ बहुत ज्यादा दिया गया है, प्रोसेसर बहुत कम दिया गया है, तो थोड़ा सा मुझे डिसेंट लगा देखने में दोस्तों इसका प्रोसेसर। तुम्हारा 3 नंबर का फोन निकल के आता है Honor का X50i+। तो Honor का एक फोन और रिलीज होने वाला है दोस्तों 2024 में, और जनवरी में ही लास्ट मंथ तक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस फोन का प्राइस के बारे में बात करें तो इसका प्राइस आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो प्राइस तो काफी हाई लेवल तक रखा गया है Honor का। ऐसे Honor का फोन आता है दोस्तों 10,000-11,000-12,000 के अंडर में। तो हम इसका प्रोसेसर के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको मीडियाटेक Dimensity 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। 18,000 अगर प्राइस रखा गया तो इसमें आपको प्रोसेसर भी काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको मीडियाटेक Dimensity का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, तो नया प्रोसेसर है दोस्तों, तो काफी अच्छा है दोस्तों। 18,000 के प्राइस में इसमें आपको 12GB के रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इस फोन के बैक साइड में भी आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का आपको सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इसका कैमरा सेटअप काफी अच्छा दिया गया दोस्तों। प्राइस के हिसाब से सारा कुछ इस फोन में
आपको हाई लेवल का देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इस फोन के फ्रंट साइड में भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है दोस्तों, और काफी अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है दोस्तों। फ्रंट साइड का भी इसमें आपको काफी अच्छा देखने को, यानी कि रील और वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो फ्रंट कैमरा से, तो काफी आपको क्लीन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से सारा कुछ इस फोन में बेहतर दिया गया है दोस्तों। बात कर ले इस फोन के बैटरी सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 4500 एमएएच का बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसमें से आपको 35 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी दोस्तों, तो लगभग एक घंटा में फुल्ली चार्ज हो पाएगा दोस्तों। बात कर ले इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन का डिस्प्ले आपको 6.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया गया है, और इस फोन का जो डिस्प्ले है एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले। तो इस फोन का डिस्प्ले जो है काफी तगड़ा दिया गया है दोस्तों, तो इसका डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है। प्राइस के हिसाब से सारा कुछ इस फोन में आपको बेहतर देखने को मिल जाता है दोस्तों। हमारा दूसरा नंबर का फोन निकल जाता है इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो। तो 40 प्रो फाइनली लॉन्च होने वाली है दोस्तों, इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो जो 40 प्रो है ये 30i जो आया था उससे रिलेटेड रहेगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस फोन में काफी चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। प्राइस भी चेंजेस इसका किया गया है और फीचर्स भी इसमें चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। बात करें इस फोन के प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस आपको 12,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जो है काफी अच्छा दिया गया दोस्तों, ज्यादा मतलब प्राइस भी नहीं दिया गया है, और इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G99 का प्रोसेसर दिया गया है, जो पुराना प्रोसेसर है अच्छा ही दिया गया है। प्राइस के हिसाब से 12,500 के प्राइस में ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते दोस्तों, G99 का प्रोसेसर है तो काफी अच्छा ही दिया गया है दोस्तों। 12,500 के प्राइस में आपको 8GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो की बहुत अच्छी बात है। इतना कम प्राइस में आपको 8GB का रैम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब गेमिंग आप आराम से कर सकते हो दोस्तों। बात कर ले इस फोन के बैक कैमरा के बारे में, तो इस फोन के बैक साइड में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 2 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, 0.08 मेगापिक्सल का आपको सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि फोटो को क्लीन करती है। तो 108 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा दिया गया है, तो काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों। प्राइस के हिसाब से बात करें तो ये फोन काफी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। प्राइस इसमें भी कम दिया गया है, और इसमें कैमरा सेटअप है काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों। इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है दोस्तों, जो की आपको 18,000 में देखने को मिल रहा था, और इसमें आपको 12,500 में देखने को मिल रहा है दोस्तों। बात करें इस फोन के बैटरी सेटअप के बारे में, तो इस फोन में भी आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, और ये फोन लगभग आपको 1.5 घंटा में फुली चार्ज हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया है दोस्तों। इसका बैटरी सेटअप है काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों। बात करें इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसका डिस्प्ले आपको 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों, और इस फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोस्तों। तो फाइनली हमारा एक नंबर का फोन निकल के आता है मोटोरोला का G34। तो मोटोरोला का बहुत सारा फोन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ जनवरी 2024 में एक और धमाकेदार फोन लॉन्च करने जा रही है मोटोरोला G34, जिसका प्राइस के बारे में बात कर ले, तो इसका प्राइस आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 11,000 के आसपास। 11,000 के प्राइस में आपको 8GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है पिछले फोन से, और इसमें अच्छा दिया गया है दोस्तों। और बात कर ले इसका प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, नया प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। तो इसका प्रोसेसर काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है दोस्तों प्राइस के हिसाब से। बात कर ले इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस फोन के बैक साइड में भी आपको 2 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है दोस्तों। तो कैमरा सेटअप भी प्राइस के हिसाब से काफी जबरदस्त दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का कम नहीं होता है दोस्तों। और इस फोन के फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो दिया गया है काफी अच्छा दिया गया है दोस्तों। ये फोन में आपको सेल्फी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा दोस्तों प्राइस के हिसाब। बाकी दोस्तों इस फोन के बैटरी सेटअप के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 18 वाट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। बात कर ले इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसका डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है, और इसमें आपको 90Hz का ही रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो प्राइस के हिसाब से इसमें डिस्प्ले भी काफी अच्छा दिया गया है, इसमें आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख रहे हैं, तो डिसेंट डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं इस वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि इसमें आपको एक बोनस फोन मैं बताने वाला हूं, इसका जो बोनस फोन निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा जो लॉन्च होने वाली है दोस्तों इंडिया के अंदर, तो जनवरी 17 जनवरी को लॉन्च होने वाली है, और लगभग 1.5 लाख के प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, 1,33,000-34,000 के प्राइस में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो प्राइस काफी बड़ा दिया गया है, तो इसमें सब कुछ आपको बड़ा देखने को मिलेगा दोस्तों, और काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर S24 अल्ट्रा के बारे में कुछ जाना है दोस्तों, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।